ईपीएस पेंशनर्स के लिए अर्जेंट खबर। सरकार का पेंशनर्स को शानदार सौगात। अगर आपकी उम्र 58 साल से अधिक है तो आपको ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। सरकार का कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान, अब मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के साथ हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। ईपीएस पेंशनधारक को आपने बिल्कुल ही सही सुना। आप सभी की ईपीएस पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। पेंशनर्स की मेहनत लाई रंग। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की काफी लंबे समय की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है, सफल होती आ रही है, क्योंकि पेंशनधारकों की प्रमुख मांगों को लेकर एक साथ पेंशनधारकों को मिले बहुत बड़े दो तोहफे। चौंकाने वाला सरकार ने फैसला जारी किया पेंशन के प्लान को लेकर। तो यहाँ पर क्या नया पेंशन का प्लान होने वाला है, कितनी बढ़ेगी पेंशन, साथ में अन्य लाभ आपको कौन कौन से मिलेंगे, तो आप सभी की ईपीएस पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि पेंशनधारकों को मिला उनका असली हक 2014 के बाद बहुत बड़ा फैसला, जिससे बड़ी खुशखबरी का पेंशनधारक बजट के अंदर उम्मीद कर रहे। तो यहाँ पर बजट के बाद पेंशनधारकों को मिला फाइनली बहुत बड़ा फैसला। तो पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो सारी जानकारी को जानेंगे कि पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी और आपके खातों में कब भुगतान की जाएगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आपकी पेंशन को लेकर हुआ बड़ा फैसला, साथ ही ईपीएफओ ने भी पेंशन को लेकर जारी किया नया सर्कुलर। तो पेंशनधारकों को एक साथ दो बहुत बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। तो अगर आप एक ईपीएस नाड़ी पर पेंशनधारक है तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा, जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पेंशनधारक जिस बड़ी खुशखबरी का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए रात भरी अपडेट आ चुकी है। सारी अपडेट को विस्तार से जानेंगे कि आखिर पेंशन की टेंशन है वो पेंशनधारकों की कैसे हुई खत्म, अचानक हुआ बड़ा फैसला जारी, आखिर इनकी बजट के बाद ये फाइनली सरकार ने क्या पेंशन को लेकर जवाब जारी किया, जिसके अनुसार अब आपकी मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपए की मिलती है 2014 के संशोधन के अनुसार, उसे अब बढ़ा करके 1000 रुपए से कितना किया जाएगा, 7500 रुपए, 8500 रुपए या फिर 9000 रुपए। साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे, मेडिकल का लाभ मिलेगा, हायर पेंशन मिलेगी, साथ में नए पेंशनधारक उनके लिए क्या सरकार नया पेंशन का प्लान बना रही है, तो सारी जानकारी डिटेल से जानेंगे। पेंशनधारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा से बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि पेंशन के बजट को लेकर फाइनली जवाब जारी, पेंशन की बढ़ोतरी तय हो चुकी है। पुरानी पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी या फिर एनपीएस में होगा संशोधन। तो ईपीएस के वर्तमान में 75 लाख पेंशनधारक है जो सब्सक्राइबर है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट आ चुकी है। तो आप सभी की पेंशन को लेकर अचानक हुआ लोकसभा की बैठक के अंदर बड़ा फैसला, जिससे बड़ी खुशखबरी का पेंशनधारक है काफी लंबे समय से इनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए रात भरी अपडेट आ चुकी है। तो सारी जानकारी को जानते उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस प्रकार की पेंशन जुड़ी ताजा सटीक जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी को विस्तार से। तो ईपीएस 95 पेंशनधारक उनके लिए लोकसभा से बहुत बड़ा ऐसा फैसला आ चुका है कि आप सभी की जो ईपीएस पेंशन है उसको लेकर यानी कि संसद के अंदर यानी कि बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के अंदर बहुत बड़ा यानी कि उठाया गया फैसला, जिसमें कि पेंशनर्स की जो मिनिमम पेंशन है जो इसे 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए के साथ में मिले, इस मांग को लेकर यानी कि लंबी चर्चा हुई। तो यहाँ पर क्या आखिर निर्णय हुआ है, तो पेंशन की बढ़ोतरी पर क्या मोहर लग चुकी है, तो साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे। तो ईपीएस पेंशनधारक उनके लिए इस तरह की जानकारी आ चुकी है कि पेंशनधारक है उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा में उठा ईपीएस पेंशन का मुद्दा, सरकार ने कहा 7500 रुपए की पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता देने का सवाल नहीं उठता है। तो यहाँ पर पेंशनधारकों ने इस तरह की मांग की, लेकिन सरकार ने इसको लेकर जवाब दिया कि पेंशनधारक है उनको महंगाई भत्ते के साथ में यानी कि 7500 रुपए की पेंशन वो मांग की जा रही वो नहीं दी जा सकती। तो ऐसा पेंशनधारकों ने मांग की और सरकार ने फिलहाल इस तरह का कहा है। आइए जानते हैं पूरी विस्तार से अपडेट को, यहाँ पर क्या यानी आगे चर्चा हुई है। तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन की राशि जिसे बढ़ाने को लेकर ये पेंशन का मुद्दा यानी कि लोकसभा के अंदर जोर शोर से यानी उठता गया। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर भी मांग किया है और पेंशनधारक के उन सभी के हित में सवाल पूछे हैं जो पेंशनधारक उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। तो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने यहाँ पर क्या पेंशनधारकों के इस सवालों को लेकर जवाब दिया है कि पेंशनधारकों की क्या पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा, तो कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी उसके बारे में आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को। तो वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सांसद श्री राजा ने पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग की है। तो लोकसभा के अंदर बात करें सांसद श्री राजा ने जो सवाल इस प्रकार के पूछे कि पेंशनधारक है उनके हित में कि श्रम व रोजगार राज्य मंत्री ने यह बताने की कृपा करे कि पेंशनधारक है उनकी पेंशन को लेकर आखिर क्या सरकार प्लान कर रही है, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जो पेंशनधारक है उनकी न्यूनतम वेतन लिमिट को बढ़ाया जाएगा या फिर पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन में वृद्धि की जाएगी, उसके संबंध में जो पेंशनधारक के मजदूर संघ है उनके द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उनको लेकर सरकार का क्या विचार होने वाला है, जनप्रतिनिधियों से जो मांगे प्राप्त हो रही है तो उस मांगों को लेकर सरकार का क्या यानी कि ब्यौरा होने वाला है, सरकार क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया पेंशनर्स के सामने प्रस्तुत करेगी। साथ में यह भी पूछा गया कि सरकार महंगाई भत्ते को देखते हुए जो पेंशनधारक है ईपीएस के कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनधारक उनकी पेंशन की वृद्धि करने का कोई न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपए की राशि मिलती है उसे बढ़ा करके कितना यानी कि सरकार बढ़ाएगी उसके बारे में सरकार का क्या विचार है और सरकार क्या विचार कर रही है पेंशनधारक उनकी पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर।
यदि सरकार कोई विचार पेंशन राशि उसे बढ़ाने को लेकर कर रही, तो यदि हाँ है तो उसके बारे में सरकार ब्यौरा जारी करे और उसकी घोषणा कब तक की जाएगी और कितनी इनकी पेंशन की बढ़ोतरी होनी संभव है, तो ऐसे में सरकार इसको लेकर जल्द से जल्द जानकारी जारी करे। इस तरह का इनकी लोकसभा के अंदर पेंशनधारकों की पेंशन को लेकर सवाल पूछे गए, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसको लेकर फाइनली वापस पेंशनधारकों को क्या जवाब दिया है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदीलाले ने इनकी बताया है कि जो विभिन्न पेंशनधारक है उनके हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पेंशन की राशि बढ़ाने हेतु कई पेंशनधारकों के प्रस्ताव और अभी आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो पेंशनधारक है उनकी पेंशन ईपीएस है, जो कि एक परिभाषित पेंशन है, अंशदान परिभाषित लाभ जिसमें आपको मिलता है, जो कि अंशदान करने के बाद, जो कि एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसको लेकर आखिर सरकार ने जो पेंशनधारकों की पेंशन के बारे में उनके बताया कि जो नियोक्ता का 8.33% की दर से अंशदान होता है, 15,000 रुपये का वेतन लिमिट प्रतिमा है, जिसमें 1.16% सरकार योगदान करती है, तो योजना के तहत सभी का इनके लाभ जो कि भुगतान इस प्रकार से संचित राशि से किया जाता है जो कि पेंशनधारकों की पेंशन की राशि होती है। तो यहाँ पर पेंशनधारक पहले अंशदान करते हैं, तो यहाँ पर जो 1995 के जो ईपीएस पेंशन को लेकर पैरा 32 के तहत निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया गया है, तो यहाँ पर पेंशन के फॉर्मूले में क्या संशोधन सरकार कर सकती है, यह भी सवाल पूछा गया है। सांसद श्री राजन ने यह भी सवाल पूछा कि सरकार कोई पेंशनधारक उनके पेंशन का गणना का जो फॉर्मूला उसमें कोई संशोधन करेगी, अगर कोई संशोधन के बारे में सरकार का कोई प्लान है तो उसके बारे में ब्यौरा जारी करे। और साथ ही इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि, सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र को तैयार किया, जिसमें कि फिलहाल कोई संशोधन को लेकर जानकारी नहीं जारी हुई है। तो यहाँ पर बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु पेंशनधारकों का जो प्रतिमाह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जा रही है 2014 के संशोधन के अनुसार, तो यहाँ पर 1.16% का यानी कि बजटीय सहायता के अतिरिक्त भी है। तो यहाँ पर पेंशनधारकों की मांग ये भी उठती गई है, 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, जिसको लेकर एनएससी के अध्यक्ष के द्वारा कई बार सरकार से मुलाकात भी हुई, कई बार पेंशनधारकों को आश्वासन भी मिला है कि उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी होती नजर नहीं आ रही है। तो वैसे में पेंशनधारकों ने भी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार इस बार भी पेंशनधारकों की पेंशन की मांगों को नजरअंदाज करती है, तो यहाँ पर सरकार को पहले भी खामियाजा पेंशनधारकों की मांगों को लेकर यानी कि नजरअंदाज करने को लेकर मिला था, लेकिन अभी पेंशनधारक फिर से यानी कि आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसी भी सरकार को चेतावनी पेंशनधारकों ने दी है। सरकार ने ईपीएस पेंशन भोग की मांग पर विचार करते हुए पेंशनधारक उनका पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति का भी गठन किया है। समिति पेंशनधारकों की मांगें बताए के मुद्दे पर विचार किया जाएगा, इस तरह को लेकर इनकी कमेटी का गठन किया है। सुझाव दिया है कि जो बीमा की स्थिति है उसको देखते हुए ईपीएस पेंशनधारक है उनको जीवन यापन लागत सूचकांक से यानी कि जोड़ना वैवाहिक नहीं है। लोकसभा में इस तरह के इनकी पेंशन धारक उनकी पेंशन को लेकर सवाल संसद के द्वारा उठाए गए, तो इसमें स्पष्ट होता है कि सरकार को ईपीएस पेंशन भोग की न्यूनतम पेंशन की भर्ती के संबंध में कोई अभिवादन तो प्राप्त हुई, इनकी पेंशन धारकों की प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ, उसको लेकर सरकार फिलहाल क्या विचार करी उसको लेकर कोई स्पष्ट है, सरकार ने फिलहाल फैसला जारी नहीं किया है। और वैसे में हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो स्थिति और वित्तीय सीमाओं को देखते हुए तो महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ना फिलहाल संभव नहीं, ऐसा जानकारी कहा जा रहा है। इनकी बताया जा रहा है कि सरकार ने 2014 में जो बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु जो इनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाई थी, लेकिन व्यवसाय में पेंशन की वृद्धि के लिए अभी कोई विचार विमर्श की आवश्यकता है। तो इनकी पेंशनधारकों ने मांग किया कि पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर इस तरह का इनकी जवाब पेंशनधारकों को मिला है। तो लोकसभा में सांसद श्री राजा ने पेंशन भोगी की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार को पेंशन बढ़ाने हेतु कई अभिवादन प्राप्त हुए, तो लेकिन मौजूदा जो बीमा की स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को जोड़ना इनकी व्यवहारिक नहीं है, इस तरह की जानकारी बताई जा रही है। तो पेंशन को लेकर इस प्रकार की अपडेट होने वाली, तो अगर बात करें ईपीएस को लेकर तो यानी कि आपके लिए अपडेट होने वाली ताजा फिलहाल। एनपीएस को लेकर बात करें तो आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है, उससे पहले इनकी कमेटी की रिपोर्ट यानी कि सरकार इनकी स्पष्ट सौंपेगी, उससे पहले इनकी पेंशनधारक कर्मचारी संगठन उनके साथ एनपीएस के इस नए पेंशन प्लान को लेकर इनकी सरकार विचार करिए, उनके साथ यानी मुलाकात करिए, उसके बाद इनकी एनपीएस को लेकर भी संशोधन को लेकर आपको राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ईपीएस और ओपीएस दोनों को लेकर अभी तक कोई अधिकारी का घोषणा पेंशन की बढ़ोतरी हो या फिर पेंशन एनपीएस में संशोधन को लेकर के लिए यानी कि फैसला जारी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की आपके लिए अपडेट होने वाली, नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहे।